नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में अपनी विजिट है गांव जीवन बर्दू, जो कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है। और यहां हम मिलेंगे एक नॉर्मल डेयरी फार्मर से, जो कि केवल अपने घर पर ही अपने घर के लिए जो हो पशु रखते हैं। और कभी मौका मिलता है, कोई नया पशु अपने घर पर तैयार होता है, तो वो सेल के लिए भी अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ हम देख पाएंगे एक मेरठ में कंपटीशन जो रहा है, उसमें विनर हाइफर रही है और इसकी मदर जो कि काफ़ी अच्छे मिल्क रिकॉर्ड के साथ है, तो वो उसके हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और एक साथ साथ में फर्स्ट टाइमर मुर्रा बफेलो सेल के लिए भी है, बायर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं कंपटीशन विनर हाइफर के ओनर नरेश सर से। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आप व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें एक बार। सर मेरा नाम नरेश कुमार है जी, और माय फादर नेम इज ओम प्रकाश जी, और गांव बर्दू जीवन जी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी जी, तहसील लोवारू जी। तो सर की जो बाकी डिटेल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इनके पशुओं को जो हो कवर करते हैं। तो सर जो अभी एक हाइफर आपके साथ खड़ी है, हाँ सर, तो इसके डिटेल्स बताएं। आपने जो इसको रिबन डाला गया है, आपने डाल रखा है, हाँ सर, ये किस वजह से है, कौन से कंपटीशन विनर रही है ये? सर कच्चे दांत में अभी मेरठ में चैंपियन हुई थी, फर्स्ट प्राइज मिला था इसको सर जी। तो अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर 12-13 तारीख और 14 अक्टूबर का जी, 14 अक्टूबर में जो ब्यूटी कंपटीशन रहा है, बफेलो मुर्रा बफेलो कंपटीशन रहा है, उसमें हाइफर में जिसको हम खीरी बोलते हैं, बगैर दांत के बोलते हैं, जिसको कच्चे दांत में बोलते हैं, उस वर्ग में जो है ये हाइफर पोजिशन इसने लिया है। तो सर कौन सा पोजिशन इसने लिया है? फर्स्ट पोजिशन लिया सर, फर्स्ट पोजिशन लिया है। तो आप देख सकते हैं रिबन के कलर से भी आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पोजीशन इसने हासिल किया है। तो सर इसका सर्टिफिकेट भी आप एक बार वीडियो में कवर करवाएं। यस सर। व्यूअर्स देख पाएंगे जो सर्टिफिकेट इनकी, जो हाइफर ने इनको फर्स्ट पोजीशन लेकर सर का जो है मान सम्मान बढ़ाया है, इनका गौरव जो हो बढ़ाया है। तो देख सकते हैं यहाँ एक नॉर्मल फार्मर भी आज जो है एक अच्छे जागरूक होकर जो अच्छे अच्छे जो पशु हो अपने घर पर जो है तैयार कर रहा है। तो सर अभी इसकी जो हो एज लगभग कितनी होगी? इसकी एज होगी सर 20 महीने। 20 महीने। तो इसकी मदर है? इसकी मदर हमारे पास ही है सर जी। तो सर ने बताया इसकी बफेलो जो कि आप अभी वीडियो में देख पाएंगे, ये इस बफेलो की मदर है और ये इसकी सेकेंड लैक्टेशन में, सेकेंड लैक्टेशन, हाँ सर सेकेंड, तो ये सेकेंड लैक्टेशन में जो वो काफ है इसका, जो कि अब हाइफर है, कच्चे दांत में ही है। तो सर इसके सायर के बारे में भी डिटेल बताइए कि इसका सायर, इसका सायर है सर हीराबुल कपूर सिंह सिंगवा वाले के पास है, सिंगवा वाले, हाँ जी। तो और ये 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है सर जी, अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, हाँ सर, और कच्चे दांत में, हाँ सर जी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और यदि हम इसको बॉडी वाइज हम इसको कवर करें तो आप देख सकते हैं सिंगों की बनावट, आप देख सकते हैं चेहरा, देख सकते हैं बॉडी का साइज, देख सकते हैं। और इसको हम बाकी बाद में जो है चलाकर भी दिखाएंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से कवर करवा पाएं। इसका पूंछ देखते हैं तो महज 1 इंच के आसपास जो, तो महज 1 इंच ही सफ़ेद है, तो आप बाद में कवर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है अच्छा पशु कवर करने के बावजूद कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि इस बफेलो का जो है वो पूंछ सफ़ेद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुर्रा नस्ल में पूंछ का जो हो बिल्कुल लाइन अच्छी हो, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, और यदि वो अच्छे लाइन की हो। तो सर ये जैसे हाइफर हमने कवर की, इसकी मदर आपने बताई आपके पास है, हाँ सर, तो इस मदर की डिटेल्स भी आप बताएं। ये सर हमारे घर की है। ये आपके घर की है, हाँ सर जी। तो अभी कौन से लैक्टेशन में है ये? ये सर थर्ड, थर्ड लैक्टेशन में, हाँ सर। तो इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी रही है? इसकी 25 kg सर। 25 kg, हाँ सर, काफी शानदार है। तो अभी इसके नीचे काफ कैसा है सर? अभी इसके नीचे कटड़ा है सर। कटड़ा है, हाँ सर। तो जैसा कि हम इसको वीडियो में कवर करेंगे, हाँ सर, कर पा रहे हैं इनकी जो घर की बफेलो है जिसकी मिल्क कैपेसिटी रही है 25 लीटर, तो उसका थर्ड टाइमर का जो काफ है मेल काफ आप कवर कर सकते हैं। तो सर ये अभी इसकी कितनी एज हुई है? इसकी सर 4 महीने 5 दिन हो गए सर। 4 महीने 5 दिन आज, हाँ सर। तो इसके सायर के बारे में कोई जानकारी सर? इसका सर सायर है युवराज। युवराज, हाँ सर। तो ये सिमन से आपने प्रेग्नेंट करवाई, हाँ सर, मदर। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा, केवल 4 महीने की एज में ही कितनी अच्छी कदकाठी के साथ है। आप देख सकते हैं ब्यूटी, आप इसकी देख सकते हैं, उसका कलर भी आप जो है वो देख सकते हैं, महज जो है बहुत कम ही जो आपको सफ़ेद देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अभी इसी एज में आप इसके कवर कर सकते हैं,
बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो सर क्या आप बायर्स के लिए ये भी अवेलेबल करवा? हाँ सर, जब भैंस दूध से हटना चाहिए उस टाइम पे। तो जैसा कि सर ने बताया, जब भैंस से इसको दूध से हटा देंगे, यानी कि जब इसको दूध से हटा देंगे उस टाइम पर जो है बायर्स के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं और बाद में आप टाइम टू टाइम सर से साथ जो कोई इच्छुक बायर है तो संपर्क करके पता कर सकते हैं कि ये जो काफ है वो सेल के लिए तैयार हो गया है या फिर नहीं है। तो काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड के साथ हमने आपका ये मुर्रा काफ जो आपका वो देखा है। तो इसके साथ साथ आप एक बायर्स के लिए भी अवेलेबल करवा रहे हैं पशु? हाँ सर जी, वो भी कवर करवाएं। आप ये बायर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं? हाँ सर। तो इसकी डिटेल आप बताएं कि ये कौन से लैक्टेशन में? ये सर फर्स्ट है सर। फर्स्ट टाइम है, तो एक बार इसका चेहरा इस तरफ करें। हाँ, तो आप देख सकते हैं फेस्ट टाइमर मुर्रा बफेलो है जो बायर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो फेस्ट टाइमर इसकी डिलीवरी को कितना टाइम हो गया सर? सर 1 मंथ हो गया सर। 1 मंथ? हाँ सर। तो आप देख सकते हैं 1 महीना जिसको डिलीवरी को हो गया है। आप अडर साइज देख सकते हैं, हम इसको टाइट अडर ही कहेंगे, लेकिन आप बनावट देखिए, थनों की बनावट काफ़ी अच्छी है। अडर का साइज कुल मिलाकर जो हो ठीक है। पूछ का कलर भी आप इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच जो हो सफ़ेद देख पाएंगे। तो सर इसके नीचे काफ कैसा है? कटड़ा सर। कटड़ा यानी कि मेल काफ है। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं मेल काफ, जिसकी एज आज लगभग जो है 1 मंथ सर ने बताई है। मेल काफ के सायर के बारे में भी जानकारी है? नो सर नहीं। चलो कोई नहीं सर। तो आप इसकी मिल्क कैपेसिटी है वो कितनी आप बताते हैं? इसकी सर 14 लीटर है सर। 14 लीटर? हाँ सर। तैयार है? हाँ सर जी। तो आप बायर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इसको क्या प्राइस आप इसका रखना चाहते हैं? इसका प्राइस सर 1,15,000। 1,15,000। तो जो इच्छुक बायर हैं वो सर से संपर्क कर सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, पशु को दोबारा जो है वो कवर कर सकते हैं, इसकी जो डिटेल है वो सर से ले सकते हैं। तो अभी हम सर के जो पशु हमने कवर किए हैं उन सभी को बारी बारी जो है वो चलाकर भी दिखाएंगे, ताकि आप इनके पशु को पहचान कर पाएँ, पसंद कर पाएँ, और यदि आपके लिए है तो उसको सिलेक्ट कर पाएँ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दें ताकि जो आपसे संपर्क कर सकें। 9991872002 जी। सर मिल्किंग स्टार्ट और करें। का जो साइज है पावस है, खाली बाल्टी, हाँ खाली बाल्टी होगी सर, निकाल। हाँ ले आओ, खाली बाल्टी है, काफी छोटा गया तो बाल्टी में दे देते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ के लिए जो दूध छोड़ा गया है, तो जितना भी है आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं 7.100 यानी कि हाँ बाल्टी खाली कर। तो ये मिल्क का वेट निकल के आया है 5 किलो 560 ग्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।